और इस बीच एक खबर सामने आई है, सीधे रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर पंच कसा, कांग्रेस के शासन को कोई भूला नहीं है। नायब सिंह सैनी ने कहा 8 अक्टूबर के बाद कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली जाएगी, ये कहना है नायब सिंह सैनी का। कांग्रेस के घोषणा पत्र को उन्होंने झूठ का पुलिंदा बताया है। सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। कांग्रेस के शासन को कोई भी नहीं भूला है, नायब सिंह सैनी ने कहा। 8 अक्टूबर देखिए, यानी कि जब चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली जाएगी, ऐसा कहना है नायब सिंह सैनी का। अभी तो जगह नहीं मिल रही उसको, अभी जगह नहीं मिल रही है, ना कांग्रेस को मिल रही, ना हुड्डा साहब को मिल रही है। भाइयों, 8 तारीख के बाद पूरी कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली जाएगी, ये आपके सामने आप देखना। इनके शासन को कोई भूला नहीं है, कोई नहीं भूला इनके शासन को। अरे भाइयों, झूठ का पुलिंदा तारा इन्होंने अपना घोषणा पत्र, और पत्रकारों को कह रहे कहा जी बीजेपी ने मारी नकल कर ली। मैंने पत्रकारों ने कहा मगर हमने मरना इनका, मगर भ्रष्टाचार में फंसे पड़े हैं और हम इनकी नकल कराएंगे। हम नकल नहीं कर सकते मखा इनकी, मखा ये तो कांग्रेस ने 2 साल पहले झूठ का पुलिंदा तैयार किया था। मखा सबसे पहले तो हिमाचल में उतारा, फिर कर्नाटक में उतारा, फिर तेलंगाना में उतारा, अब मखा राहुल गांधी खड़गे और हुड्डा साहब ने डेंटिंग पेंटिंग कर कहा ये हरियाणा में उतार दिया। कोई विश्वास करने वाला नहीं इसका।